बैक टू माई चैनल। आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हुआ है 2 बजे और मैं अभी अभी जस्ट नहा के आई हूँ। और नहा के आने के बाद मैं सोच रही थी अपना जो काम है वो कर लूँ, मतलब काम कपड़ा धोया था वो बाहर सुखाने के लिए छोड़ दूँ, पर शरण्या ने ऐसे काम करके गए है वो मैं सारा काम भूल के यहाँ पे आना पड़ा, ये काम करने आना पड़ा। मैंने अपना बाल भी अभी पोछा भी नहीं है अच्छे से। और मुझे देखो सच में मुझे अभी गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भूख भी लगी है, खाना भी नहीं खाया। और ऊपर से इसने क्या किया, उसके पापा उसको जूस बना के देकर गए थे, पूरे बेड पे गिरा दिया क्योंकि उसको खाना नहीं था, मतलब पीना नहीं था। तो उसको जब भी कुछ पीना नहीं होता है गिरा देते, खाना नहीं होता तब भी गिरा देते। मैंने मना किया था, उसके पापा ने नहीं सुना और इतनी बदमाश हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है, बस इसलिए बीमार पड़ती है बहुत ज़्यादा। और बस हमेशा दवाई दो उसको, दवाई चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, उसका खाना वही है। तो चलो ये देखो क्या कर दिया है इसने, पूरा यहाँ पे पूरा किया ना, पूरा एब्जॉर्ब हो गया है पूरा नीचे तक। तो मुझे पूरा इसको उठा के फिर आज तो मैं घूमूंगी नहीं, नहा लिया तो इसको मैं अभी चेंज कर दूँ। चेंज करने के बाद बाकी का मेरा सारा जो काम है वो करके, मेरा सर दर्द हो रहा है भूख लगने से ना, मेरा सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द से ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। मेरा और कुछ काम नहीं है पूरे दिन, बस यही करते रहो। अब देखो जिसकी वजह से ये भी धोना पड़ेगा, जो बेड को देखता है ये भी धोना पड़ेगा। इसको मैं फिलहाल बाहर छोड़ दूंगी, कल धोऊंगी जो भी धोना है। तो इसके ये अभी पूरा एकदम मैटर्स के ऊपर ये लगा दिया ना, और इस मैटर्स में अभी भी पॉलीथीन लगा हुआ है तो ये स्लीप करेगा, तो इसलिए मैंने इसके गीटे लगा दिया साइड साइड में। अब मेरा देखो इसको मैं बाल तो पोंछ लूँ, काम तो मेरा होता रहेगा, नहीं तो फिर मेरा भी और फिर से फीवर आ जाएगा। अब क्या करूंगी, पहले मैं खाना खाऊंगी। मैं हिंदी बोलते बोलते ना बंगाली भी आ जाते हैं मेरे बाबा ने। अब जितना धूप पड़ेगा अब मेरा स्किन उतना ग्लो करेगा। चलो कर लिया कंघी, क्योंकि नहाने से पहले मैंने एक बार कंघे किया था ना, तो इसमें चलो मैं थोड़ा सा सिंदूर लेके आती हूँ, यही पे बैठ के बेड पे बैठ के सब कुछ कर लूंगी। लेके आ गई, पहले थोड़ा सा क्रीम लगा लूं, कुछ नहीं है ऐसे एक क्रीम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलो
चलो मैं रेडी हो गई बेड पे बैठ के, अब इसका मैं पिलो कवर चेंज नहीं करूंगी, उसी को रहने दूंगी। इसको ये साइड में लगा के एक में वो लेट जाएगी और एक में। पर फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ अपने लंच करने, लंच करने के बाद मैं बाहर जाऊंगी अपने कपड़े सुखाने के लिए। चलो लंच करके आके मिलते हैं और फिर कपड़े सुखाने वाले जो है वो शेयर कर दूंगी। मैं लंच करके आ गई हूँ और ये देखो मैंने ये कपड़े पहले से ही बाहर रख दिया था। मैंने अपना काम कर लिया छड़ा, अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि उठने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है सरन्या को लेके। अपॉइंटमेंट है 6:30 का, तो उसको लेके आ जाऊँगे अभी। इसको यहीं पे रहने दूँ, ये जो सारे कपड़े उठाए इसको यहीं पे रहने दूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट गई हूँ, सरन्या ने बोल दिया मम्मा आप ये वो वाले रूम में रेस्ट करो, मैं ये वाले में करती हूँ। पर वो थोड़ी देर बाद मतलब एक दो मिनट बाद ही वो आ जाएगी यहाँ पे। तो चलो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर डॉक्टर के पास भी तो जाना है। तो मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो न्यू देख रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो सारे वीडियो में ऐसे बोलती रहती हूँ, प्लीज़। हेलो, बाय बाय।